हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस और द प्रोग्राम्स गिवन बाय द यूजर। तो हम जो प्रोग्राम्स देते हैं उसे क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन जानने से पहले कि सीपीयू करता है क्या क्या है। तो सबसे पहले सीपीयू करता है इंस्ट्रक्शंस को फेच, जो भी इंस्ट्रक्शन उसे करना है उसे क्या करे, उसे प्रोसेस करना है उसे क्या करेगा, वो फेच करेगा, है ना। उसके बाद में क्या करेगा? इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन है वो करना क्या चाहता है ना, तो उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद में प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, जब प्रोसेस करने लगेगा उस समय उसे शायद डेटा लगे, तो फेच डेटा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा? स्टोर डेटा। और ये सारे ऑपरेशंस जो हैं उसे कंट्रोल या मैनेज करना। तो ये सारे जो टास्क है ये कौन करता है? आपका सीपीयू करता है। इसीलिए सीपीयू को के पास में क्या क्या चीजें होना चाहिए, है ना। अगर आपको इंस्ट्रक्शन फेच करना है तो कहाँ से फेच करना है ना, आपको फेच करना, मान लीजिए मेमोरी से फेच करना है, कहीं और से फेच करना है, तो कहाँ से फेच करना है और सीपीयू में उसे कहाँ लाकर रखना है। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो दो चीजें हैं सीपीयू में। पहला है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसे, और कंट्रोल यूनिट। क्योंकि क्या है, हमें इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, तो इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए अगेन हमारे पास में जो अरिथमेटिक यूनिट है ना, उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें एड्रेस होल्ड करने की, है ना, कि कहाँ से हमें फेच करना है, एड्रेस होल्ड करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। देन डेटा होल्ड करने के लिए या इंस्ट्रक्शन होल्ड करने के लिए होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एड्रेस डेटा। उसके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, है ना, कंप्यूटेशन यूनिट होना चाहिए। और रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए वैल्यू होना यूनिट होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे ऑपरेशंस को करने के लिए, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जो इंस्ट्रक्शन है उसे फेच करने के लिए हमारे पास में क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करता है? वो एड्रेस जिससे हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसे पिक करेंगे। तो वहां पर हमारे पास में एड्रेस होल्ड करने के लिए प्रोग्राम काउंटर होता है और एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है जहां से हमें डेटा या जो भी इंस्ट्रक्शन फेच करना है उसका एड्रेस अवेलेबल होता है। डेटा के लिए हमारे पास में अगर इंस्ट्रक्शन है तो हमारे पास में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा जहां इंस्ट्रक्शन रखेंगे, और नहीं तो मेमोरी डेटा या मेमोरी बफर रजिस्टर होगा जहां पर हम डेटा को रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होगा तो IR होगा, और डेटा होगा तो MBR या MDR, जो भी आपके नाम दिया हुआ, बफर रजिस्टर या डेटा रजिस्टर दोनों एक ही बात है। कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास में क्या क्या कंप्यूटेशन हो सकता है? कंप्यूटेशन हमारे पास में अरिथमेटिक कंप्यूटेशन हो सकते हैं, हमारे पास लॉजिकल कंप्यूटेशन हो सकते हैं, हमारे पास में शिफ्ट ऑपरेशन हो सकते हैं, हमारे पास में कॉम्प्लीमेंटर्स हो सकते हैं। तो जो जो हमारे पास में ऑपरेशंस हो सकते हैं उन सर्किट के लिए क्या होना चाहिए? सर्किट्स अवेलेबल होना चाहिए। तो यूजुअली ये सर्किट्स क्या होते हैं? एंड गेट, और गेट,
है ना, एडर्स, फुल एडर्स, हाफ एडर्स और शिफ्टर्स, ये सारे जो सर्किट्स होते हैं ये आपके ALU में प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके जो रिजल्ट्स होते हैं या तो आपके टेम्पररी रजिस्टर्स में स्टोर होंगे, तो आपके पास में कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो, है ना, या फिर आप मेमोरी में स्टोर करोगे। अब ये सब चीजें जो है वो आपस में क्या होगा, इंटरनल बस से कनेक्टेड होगी, तो आपके पास में इंटरनल बस होना चाहिए जो कि क्या करेगी, डेटा को आप कंपोनेंट्स में ट्रैवल करवाएगी, किसके, सीपीयू के कंपोनेंट्स में, या एक्सटर्नल बसेस होना चाहिए। तो एक्सटर्नल बसेस से क्या करते हैं हम लोग, हमें डेटा लाना कहाँ से, हमें डेटा लाना है, फेच करना है ना इंस्ट्रक्शंस, डेटा ये लाना कहाँ से, मेमोरी से। तो हमारे पास में कौन कौन सी बसेस होती है, हमारे पास में एक्सटर्नल सिस्टम बसेस होती है, कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस। कंट्रोल बस जो है आपके कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है ना, जो आपको कंट्रोल सिग्नल से आप क्या करते हो, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हो, तो वो कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करती है। डेटा बस जो है आपका डेटा कैरी करती है, और एड्रेस बस से आप एड्रेस भेजते हो। अब डेटा और एड्रेस बस दोनों एक जैसे क्यों नहीं होते, क्योंकि एड्रेस का साइज और डेटा का साइज अलग अलग हो सकता है। अगर आपके पास में 4 बाइट का एड्रेस है और आपके पास में 16 बाइट का डेटा है, तो आपके पास में देयर इज वेरिएशन, है ना, इसीलिए हम एड्रेस और डेटा बस दोनों अलग बनाते हैं। और दूसरा जो एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि एड्रेस केवल सीपीयू जनरेट करता है, और किसके लिए जनरेट करता है, मेमोरी के लिए जनरेट करता है। तो हम जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल, लेकिन डेटा जो है वो बायडायरेक्शनल होता है, हम मेमोरी से डेटा सीपीयू में भी लेकर आते हैं और सीपीयू से मेमोरी में स्टोर भी करते हैं। तो ये हमारी बसेस हो गई। इसके अलावा जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट आपके क्या करता है, जितने भी ऑपरेशन से उसे कंट्रोल करता है ना, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिस्टम का। तो कंट्रोल यूनिट आपके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के जो भी ऑपरेशन है या रीड राइट ऑपरेशन है जो कि आपको मेमोरी से करना है, वो दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर आपकी मेमोरी है, कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ भी जाते हैं। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या क्या है कि सीपीयू क्या क्या काम करता है, उसके बेसिस पे हमें क्या क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। अगर हमें इंस्ट्रक्शन फेच करना है तो इंस्ट्रक्शन फेच कैसे करेंगे, हमारे पास में बसेस होना चाहिए जिससे डेटा आ सके, एड्रेस हम दे सके कि ये वाला है इंस्ट्रक्शन फेच करना है, हम उसे प्रोसेसर में कहाँ रखेंगे। अगर उसे प्रोसेस करना है तो प्रोसेस करने के लिए अर्थमेटिक यूनिट होना चाहिए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है हमारे पास में। अगर वो रिजल्ट्स लेके आएगा तो हमें रजिस्टर्स चाहिए उसे स्टोर करने के लिए, कुछ स्पेशल रजिस्टर्स भी चाहिए ताकि वो डेडिकेटेड टास्क कर सके। अगर जनरल पर्पस रजिस्टर में ही हम सारी चीज़ें रखें तो देर इज अ पॉसिबिलिटी क्या कि वो हमारा टाइम ले, है ना, इसीलिए हमने डेडिकेटेड कुछ रजिस्टर्स भी होंगे। उसके अलावा क्या होगा हमारे पास में, मेमोरी सॉरी कंट्रोल यूनिट होगी जो कि हमारे सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगी।